मुंबई के माटुंगा के सरमुखानंद चंद्रशेखरानंद सरस्वती ऑडिटोरियम में हर साल की तरह इस वर्ष भी होली के शुभ अवसर पर मेवाड़ की आन बान और शान की प्रतीक संस्था राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ फाउंडेशन मुंबई द्वारा आयोजित और किरण सुजकी ग्रुप द्वारा प्रेजेंट विराट हास्य कवि सम्मेलन 2024 का भव्य आयोजन संस्था के अध्यक्ष दिलीप जी पगारिया, महामंत्री मनीष सियाल, कोषाध्यक्ष अजीत धाकड़ के नेतृत्व में किया गया। इस सुंदर कार्यक्रम को सफल बनाने में राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ मुंबई के प्रमुख दिनेश बोहरा, संरक्षक मेघराज धाकड़, रोशनलाल बोहरा, रोशनलाल पगारिया, हरीश सियाल, रोशनलाल डांगी, वही प्रमुख मार्गदर्शक टीम के निर्मल लोढ़ा, सोहन लाल धाकड़, रमेश पामेचा, हिम्मत कच्छारा, महावीर डांगी, मुकेश सिंघवी, नवल सिंह सुराणा, चौथवल साखला, मांगी लाल लोढ़ा, गुणवंत खेरोदिया सरीखे लोगों का विशेष सहयोग रहा। इस कार्यक्रम में विशेष आकर्षण के केंद्र कॉमेडियन VIP रहे। इसके अलावा कवियों की बात करें तो हास्य कवि सुरेश अलवेला, मनोज गुर्जर, पारोडी कवि राम भदावत, वीर रस कवि शशिकांत यादव, वीर रस दीपक पारेख, हास्य कवि यशोदा सोलंकी, श्रृंगार रस की कवियों ने भारी भरकम भीड़ का अपनी कविताओं के माध्यम से खूब मनोरंजन कराया। इस कार्यक्रम में भारतीय जनता पार्टी के राजस्थान जिले के जिलाध्यक्ष मान सिंह बारहट की भी खास मौजूदगी रही। तो इस कार्यक्रम का सफल और कुशल संचालन पत्रकार मनीष पालीवाल ने किया। इस पर देखिए मौर्य स्थान के संपादक रितेश पाठक की खास कवरेज। देखिए ये कार्यक्रम नहीं है, ये एक संस्कृति का महोत्सव है और सुदूर अंचल मेवाड़ से निकलकर, मारवाड़ से निकलकर, राजस्थान से निकलकर आज मुंबई सरी की महानगरी में भी अपने मेवाड़ के संस्कारों को जीना ये बड़ा काम है और ये केवल राजस्थानी लोगों के अंदर पाया जाता है। राजस्थान के लोग दुनिया में जहाँ कहीं भी गए हैं उन्होंने अपना व्यापार किया, व्यवसाय किया, वहाँ समाज सेवा की, लेकिन अपने राजस्थान को हमेशा जिंदा रखा। यही काम दिलीप जी और उनकी पूरी टीम कर रही, लगातार 16-17 वर्षों से कार्यक्रम चल रहा है। मेरा पहली बार इसमें आना हुआ है लेकिन इसकी तारीफ इस कार्यक्रम की पूरे देश में होती है और आज आपको लोगों को सुनाकर बहुत अच्छा लगा, मन प्रसन्न हुआ और भगवान आपका यश में इसी तरह से रिद्धि सिद्धि में अभिवृद्धि करता रहे। सभी को जय मेवाड़, जय महाराष्ट्र, जय राजस्थान। मैं राजस्थानी भाइयों को पुनः होली की हार्दिक शुभकामना दूंगा पहले तो, और ये हम प्रोग्राम कवि सम्मेलन का लगातार 17वां कवि सम्मेलन यहाँ आज संपादित किए हैं। मैं सभी श्रोताओं का मन से स्वागत करता हूँ कि आप हर साल इस
होली कवि सम्मेलन में इतनी तादाद में आते हैं और एक यहाँ माहौल सा बन जाता है, मेवाड़ महोत्सव जैसा बन जाता है। तो ये आप सभी का स्नेह और प्यार है कि हम इतने 17 साल से ये ऐसा होली का स्नेह सम्मेलन जैसा प्रोग्राम कर पा रहे हैं। मैं पुनः सभी स्पॉन्सर और हमारे प्रमुख कार्यकारिणी और संरक्षक और प्रमुख मंत्री कोषाध्यक्ष सभी को पुनः पुनः धन्यवाद दूंगा कि आपने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस प्रोग्राम को सफल करने में, जो आयोजन को सफल करने में जो भूमिका निभाई है, सभी को तह दिल से धन्यवाद। धन्यवाद। जय मेवाड़, जय महाराष्ट्र। आज वैसे तो होली का त्यौहार है, लेकिन आज ऐसा लग रहा है कि होली मुझे लगता है कि मैं राजस्थान में मना रहा हूँ। आज पूरा मुंबई राजस्थान में रंग गया है। वैसे कलर नहीं लग रहा, लेकिन राजस्थान में रंग गया है इतना। मतलब आज आप धन्यवाद देना चाहूँगा मैं दिलीप जी और मेरे दोस्त पाठक जी का, कि जिन्होंने मौका दिया मुझे मेरे राजस्थान भाई बहनों से मिलने का। क्योंकि आज जितने भी मेवाड़ के भाई बहन मिले, उन्होंने जो इन्जॉय किया, मेरे चेहरे पर जो खुशियाँ उनके जरिए मेरे चेहरे पर खुशी आई। क्योंकि हम जब कलाकार जब कुछ कॉमेडी करते हैं, जब हम अपना काम पूरा करने में कामयाब होते हैं, तब हमें बहुत चैन की नींद आती है। तो बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा और इसी तरह से आप लोग बुलाते रहिए। और जितने भी मेवाड़ के भाई बहन हैं, आज वाकई में रियल में क्या जोश था, क्या कमाल का था। मतलब आप लोगों ने मतलब पूरा तहलका मचा दिया, हिला दिया एकदम। और जैसे कि हमारे साथ राजस्थान की हस्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं, तो वो कुछ बताएँगे सर, कुछ बताइए अपने। मैं ये कहना चाहूँगा कि एक तो सभी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि ये संस्था को उन्होंने भी ये प्रोग्राम को कामयाब किया। बस तरफ से सभी राजस्थान भाइयों को हैप्पी होली। मैं अकेला नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं वो आपको हैप्पी होली कहने के लिए आ रहे। आइए सर। हाँ जी, अक्षय कुमार बोल रहा हूँ। मेरी तरफ से भी आप सभी को हैप्पी होली, डोंट एंग्री मी। हाँ, होली मुबारक हो। ए बाबा राजू श्याम पहले बोलता, अरे रंग लगाने का नहीं बाबा, अरे आँख में जाएगा बाबा, मेरी तरह चश्मिश बन जाएगा तू। हाँ बोलेगा तो मस्त में बोलने का, गले मिल के बोलने का, ये हैप्पी होली, थैंक यू सो मच। और बहुत बहुत धन्यवाद बाबा दिनेश जी का, दिनेश बोरा जी, थैंक यू सो मच। आइए सर। दिनेश जी जो कि कमाल के इंसान है और इनकी ताकत का असर जब स्टेज पर रंगमंच पर देखा तो कमाल हो गया मैं। क्योंकि ये जो सारे संस्था से जुड़े हैं, जो मेवाड़ संस्था जो हमारी, वो उस तरह का कार्य करती है, बंद मुट्ठी कहते हैं ना, कि किसी की हेल्प करना, किसी की मदद करना हो, तो ये राजस्थान के लोग एकदम हमेशा आगे होते हैं। तो मैं बहुत आभारी हूँ कि मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ, आपके साथ मतलब अपने आप को बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ। थैंक यू सो मच सर, लव यू सर, थैंक यू। दिलीप जी ने बहुत बढ़िया है प्रोग्राम। हम 17 साल से यहाँ पर आते हैं इस महाराष्ट्र में, वीर की भूमि का राजस्थान से बहुत बड़ा सम्मेलन होता है, हास्य भी होता है, लेकिन वीर रस की बहुत सी कविताएं हमें बहुत पसंद है। हम खास करके हर साल यहाँ पे सुनने को आते हैं और होली का ये त्यौहार हम इस वीर रस और हास्य रस में हम लोग बहुत ही एंजॉय करते हैं हम लोग। मैं तो राजस्थान का ही हूँ और पिछले 17 साल से इस प्रोग्राम से जुड़ा हुआ हूँ। दिन दुनी और रात चौगनी ये प्रोग्राम तरक्की कर रहा है और हम चाहेंगे कि भविष्य में भी ये प्रोग्राम हमारा राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ का कवि सम्मेलन दिन दुनी रात दुनी चौगनी प्रगति करे और हमको हर साल इसको नए मुकाम पर लेके जाएंगे। पहली बात तो ये कि भगवान श्री राम की जो परंपरा है वो महाराणा प्रताप लेकर आए, और महाराणा प्रताप की जो ये परंपरा है वो मेवाड़वासी अभी तक लेकर आगे जा रहे हैं। माँ मातृभूमि और माँ को जो स्नेह देने की परंपरा है वो आगे से आगे जो मेवाड़वासी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। दैट्स इट सर, बहुत शानदार। पूरे संपूर्ण मुंबई के अंदर पूरे मेवाड़वासी मिलकर इस कार्यक्रम को करते हैं, ये जो कार्यक्रम करते हैं उसमें फिर हमारे जैसे मेवाड़ी कवियों को बुलाया आपने। वैसे पूरे हिंदुस्तान में जाते हैं लेकिन मेवाड़ी कवियों को भी आपने इस कार्यक्रम में विशेष रूप से बुलाया, मैं बहुत बहुत आभारी हूँ और बहुत बधाई देता हूँ। बहुत ही शानदार कार्यक्रम प्रतिवर्ष होता है ये, थैंक यू वेरी मच। नहीं, मेवाड़ एकता संघ बहुत अच्छा प्रोग्राम कर रहा है, ये लास्ट 17 साल से कर रहे हैं। इसमें सबसे बड़ी बात है कि साल भर में एक ही ऐसा मौका है कि सब मेवाड़ी एक मंच पर आते हैं और ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए। भाई सबसे बढ़िया बात तो इन्होंने कवि सम्मेलन का आयोजन कराया इस दौर में, जब अश्लील कॉमेडी शो हो रहे हैं, डांस पार्टियां हो रही है, ऑर्केस्ट्रा पार्टियां हो रही है जिसमें टोटल अश्लीलताएं होती है और परिवार के साथ बैठ करके उनको देख नहीं सकते हैं। इस माहौल में जिन्होंने साहित्य की जोत जलाई है, मैं उन मेवाड़ियों को धन्यवाद देता हूं, उन मेवाड़ियों को बधाई देता हूं कि उन्होंने साहित्य की जोत जलाई और एक कवि सम्मेलन कराया, संस्कारवान कवि सम्मेलन कराया जिसे पूरा परिवार साथ बैठकर हंस सके, खिलखिला सके और कुछ संदेश भी अपने घर ले जा सके।
ये होली का एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें 36 कौम यानी कि हमारे राजपूत भाई, जैन भाई सभी एक मंच पे आके एक साथ में हंसते हैं और सभी का एक साथ में यहाँ पर मिलना हो रहा है और सभी एक साथ में यहाँ हंसी के गुदगुदी ले रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ऐसे प्रोग्राम होते रहना चाहिए और ये समाज के लिए एक अच्छा और राजस्थानी के लिए खास करके एक अच्छा प्लेटफॉर्म है। राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ जो ये प्रोग्राम करता है ये सालों से कर रहा है, करीबन 10-11 साल से मैं जुड़ा हूँ यहाँ से और बहुत ही शानदार प्रोग्राम होता है। और ये होली के अवसर पे षणमुखानंद बुक रहता है और ऐसा है कि यहाँ पर षणमुखानंद में हज़ारों लोग और भी है जो वेटिंग में चल रहे हैं, लेकिन होली के दिन षणमुखानंद भी सिर्फ मेवाड़ संघ को देता है, मेवाड़ एकता संघ को ही देता है। और इतना शानदार, इतना प्रोग्राम क्लास और ये जो कमेटी है इनको मैं बधाई देना चाहता हूँ जो इन्होंने जो इतना मेहनत करके इसको जो इतना सक्सेसफुल बनाया है आज और जो जो लेवल पर पहुँचा है, वन ऑफ द बेस्ट इन इंडिया है आज। यहाँ पर बड़े बड़े कवि शैलेंद्र जी लोढ़ा, कुमार जी विश्वास, सब बड़े बड़े कवि आते हैं और आते रहे हैं और आज भी बहुत बड़े बड़े कवि और आज विराट हास्य कवि सम्मेलन आज भी और भरपूर आनंद और भरपूर मजा आता है और फैमिली के संग बहुत ही शानदार बड़ा प्रोग्राम होता है। सर इस कार्यक्रम की बात करें तो सर हर साल स्पॉन्सर हैं आप, सर क्या फील कर रहे हैं वर्तमान तरफ से, सर क्या कुछ मेरा पसंदीदा फील्ड है हास्य कवि सम्मेलन, हास्य हास्य ह्यूमरस मज़े लेना, लाइफ के जोक्स रहना, स्ट्रेस रिलीव करना और तो ये मेरा पसंदीदा प्रोग्राम है और ये पसंदीदा मंच है मेरा। तो मैं यहाँ पर हमेशा जुड़ा रहूँगा, हमेशा इससे भी कई गुना आगे मैं जुड़ा रहूँगा और हमेशा जुड़ा रहूँगा। इनकी बहुत मेहनत है, इन लोगों की, इन कार्यकर्ताओं की बहुत मेहनत है। हम तो सिर्फ पैसा दे के साइड हो जाते हैं, बाकी इतने भीड़ को संभालना, इतने सारे पास आवंटन करना, मैनेजमेंट करना पूरा कवियों का, ये बहुत दिनों से मनीष जी वगैरह ये सब लगे हुए काम पे और बहुत मेहनत करके ये कार्यक्रम को, और बहुत सफल कार्यक्रम होता है। मैं हर साल इस कार्यक्रम में हिस्सा लेता हूँ। सर सबसे पहले तो मैं राजस्थानी एकता मित्र मंडल को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ और स्पेशली हमारे जो परम मित्र है महावीर जी डांगी जिन्होंने आज ये टाइटल स्पॉन्सरशिप ली है और ये एकता और प्यार का जो प्रतीक है जो हर वर्ष अपने नए नए आयाम छू रहा है। तो पूरी पूरी मंगल कामना है मनीष जी सियालेन उनकी टीम को, खूब आगे बढ़े और खूब नाम रोशन करे, इन्हीं मंगल कामना के साथ धन्यवाद। सबसे पहले हैप्पी होली, ये बहुत ही शानदार आयोजन हमेशा से करते आ रहा है मेवाड़ एकता मंच और ये बार भी बहुत शानदार आयोजन है और सबसे बड़ी खुशी की बात है कि अब की बार टाइटल स्पॉन्सर जो है हमारे थाने के किरण सुजुकी जो है उन्होंने टाइटल स्पॉन्सर लिया है, जो हमारे दोस्त है, हमारे रिश्तेदार है और हम सब ये मिलके बहुत अच्छा लगा है ये स्पॉन्सरशिप उन्होंने ली है और ये प्रोग्राम बहुत अच्छा रहता है हमेशा और आज भी बहुत अच्छा रहेगा, यही शुभकामनाएं। थैंक यू। सर्वप्रथम तो मैं सभी को होली की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ और राजस्थान मेवाड़ एकता मंच ने जो आयोजन किया है कवि हास्य कवि सम्मेलन का, एक बहुत ही सराहनीय प्रोग्राम है और एक सफल प्रोग्राम होता है और हमें ये इसको स्पॉन्सर करने का जो अवसर मिला है उसके लिए मैं मेवाड़ एकता, राजस्थान मेवाड़ एकता संघ को मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अदा करता हूँ। आज का जो ये प्रोग्राम हो रहा है बहुत ही ऐतिहासिक, जो कि कवि सम्मेलन तो है ही है, साथ में सभी का गेट टुगेदर जो होली के दिन है वो बहुत ही शानदार और अच्छी तरह से हो रहा है, इसके लिए सभी को शुभकामनाएं। जिन्होंने भी इसमें लाभ लिया है उसको सभी को, लाभार्थी को खूब खूब अनुमोदना, धन्यवाद। कामना हर साल इसके आयोजन होती है और बड़ी संख्या में राजस्थानी लोग यहाँ उपस्थित रहते हैं, ये एक आपस में मिलनचार का एक बहुत अच्छा साधन है और आयोजकों को और आने वाले सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामना, होली की बधाई, धुलेटी की बधाई। राजस्थानी मेवाड़ एकता मंच जो होली के उपलक्ष्य पर आज सन्मुखानंद हॉल में जो कार्यक्रम रखते हैं, हमारे अध्यक्ष हैं उनके दिलीप जी साहब पगारिया, महामंत्री मनीष सियाल, उनकी पूरी टीम बहुत मेहनत से ये काम करती है और सभी प्रायोजक जो इसमें भाग लेते हैं उनको और सभी को एक समन्वय जो होता है मेवाड़ का वो बहुत ही अनूठा समन्वय और लोग आपस में मिलते हैं, भाईचारे की भावना बढ़ती है, इसके लिए कार्यक्रम हर साल होना चाहिए और मैं सभी आयोजकों को धन्यवाद और सभी कार्यकर्ताओं को धन्यवाद देता हूँ। सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं, आगे भी ऐसा प्रोग्राम बनाते रहे हमेशा और सब इकट्ठे होकर मिलते रहे सभी प्रोग्राम में। मैं आज होली के इस महापर्व पर हमारे अध्यक्ष दिलीप जी पगारिया एंड टीम को, समस्त मेवाड़ महिला मंडल मुंबई की तरफ से राजस्थान मेवाड़ एकता मंच को हार्दिक बधाइयां शुभकामनाएं प्रेषित करती हूँ। प्रवासी सारे हमारे भाई हैं और प्रवासियों के बीच आकर जो हमें उत्साह और उमंग आती है, जो हर्ष और उल्लास होता है कि हमारे वहाँ से चले हुए भाई यहाँ मुंबई में अपना एक कारोबार जमाते हुए फिर भी
हमारे जो रीति रिवाज और होली का त्यौहार है उसको हर स्नेह मिलन के नाम से कार्यक्रम करके सभी लोगों को आपस में मिलना जुलना और ये जो त्यौहार है होली स्नेह मिलन कार्यक्रम ये परंपरा से हमारे बनी हुई है, उस परंपरा को आज जीवित रखते हुए इन्होंने जो कार्यक्रम किया है इससे आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण भी रहता है और इसमें आने से जो हमें खुशी हुई है उसका मैं आपको क्या कहूँ कि हम जब होली का त्यौहार मनाने तो जितनी भी सारी बातें हैं आज के दिन जितनी भी हमारे में बुराइयाँ होती उसको भूल कर अच्छाइयों की तरह आगे बढ़ने का जो प्रयास होता है वो ये होली स्नेह मिलन से हम बढ़ते हैं आगे। मेवाड़ के लिए मैं जब तक यहाँ मुंबई में हूँ मेवाड़ के काम के लिए मैं जीता रहूँगा, तन मन और धन से कोई भी मेवाड़ वासियों को मैं सुख दुख में दर्द के यहाँ काम रहूँगा और मैं गरीबों की सेवा में 24 घंटा तत्पर रहूँगा मेवाड़ वासियों के लिए। एक ऐसा है कि ये हंसी खुशी का त्यौहार जो आता है ना इस समय एक ऐसा है कि होली यानी जो पुरानी बात थी ना उसको होली कर दीजिए, नया सिरा से नए सोचिया नया। और दूसरा ये जो युग आ रहा है ना हमें बहुत ज़रूरी है कि बड़ा दिल रखना पड़ेगा, बड़ी सोच रखनी पड़ेगी और अच्छी अच्छी चीज़ें, क्योंकि देखिए राजस्थानियों का कंट्रीब्यूशन हर जगह है और जो भी यहाँ जहाँ भी जा रहे हैं राजस्थानी अच्छा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो थैंक यू। ब्राउन का आज होली स्नेह मिलन राजस्थानियों के द्वारा जो संघ ने किया है इसके माध्यम से हम सब लोग मिले भी हैं और यहाँ की जो अब हमारे राजस्थान में भी सरकार भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में भी बीजेपी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार बन गई है और हमारे जो प्रवासी भाई है जो बॉम्बे आते हैं बांद्रा तो उदयपुर से आते हैं तो सप्ते में दो दिन ही जो ट्रेन चल रही है उसको पर डे चले ऐसी आप सबकी भावना थी तो उन भावनाओं को भी हम दिल्ली तक पहुँचा के उसको जल्दी से जल्दी जो हमारे दिनेश भाई की जो प्रयास है इनको साक्षात करने में हमारी अहम भूमिका रहेगी। शानदार ने होली के पर्व के विषय में पूरी सटीकता से हमें बताया है। खासतौर पर इस कार्यक्रम की जहां तक बात करें कि यहां मुंबई में रहने वाले प्रवासी जातिगत स्तर पर अपने कार्यक्रम आयोजित करते हैं लेकिन राजस्थानी मेवाड़ एकता संघ एक ऐसा संगठन है जो 7 जिले मेवाड़ क्षेत्र के आते हैं उनकी 36 कौम की प्रतिनिधि संस्थाओं को साथ में जोड़कर ये कार्यक्रम करता है तो सच्चे मायनों में ये अच्छा और शानदार कार्यक्रम है। मैं इस मौके पर ये शुभकामना देना चाहूँगा कि इस महानगरी में जो हमारे दिनेश जी बोरा ने जो कार्यक्रम स्टार्ट किया है और इस संस्था के ये संस्थापक सदस्य है और इस महानगरी में ऐसे कार्यक्रम करना बहुत कठिन काम है और इसमें राजस्थानी एकता के लिए ये प्रयास करते रहते हैं और समाज के लिए रात दिन दिनेश जी तैयार हैं और अब इनकी भावना है कि मैंने महानगर में बहुत कुछ किया है और अब मेरी इच्छा है कि मैं राजस्थान जाके कुछ सेवा करूं तो भगवान इनकी सेवा को आगे बढ़ाए और मैं तो ये कहता हूँ बहुत बहुत इनको साधुवाद देता हूँ धन्यवाद देता हूँ कि ऐसे ऐसे योद्धा भी हैं मेवाड़ में जो आज महाराणा प्रताप के पीछे नाम रखने वाले ये दिनेश जी मैं इनको इनके ऊपर बहुत गर्व है हमें कि एक ऐसा लाल यहाँ महानगरी में भेजा है मेवाड़ से जो आज महानगरी में अपना नाम रोशन कर रहा है ऐसे हमारे दिनेश जी हो रहा है और आगे भी इनकी बहुत उन्नति हो और भगवान इनको बहुत समाज सेवा में लगाए यही मेरी हार्दिक इच्छा है और मंगल कामना इनके प्रति आगे से आगे बढ़े ओम अरम। ये जो कार्यक्रम हो रहा है उसके पीछे पूरी टीम का हाथ है, आज जो टीम जो काम कर रही है मैं मानता हूँ कि दिनेश जी बोरा हमारे जो प्रमुख है संस्था के उनके द्वारा जो कार्यक्रम होता है हम उनके साथ हैं। मैं मेरी टीम और मेरे जितने भी स्पॉन्सर्स हैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। दिनेश जी बोरा की एक आवाज़ के ऊपर पूरी टीम तैयार है, वो चाहे राजस्थान में हो या मुंबई में उनकी एक आवाज़ के ऊपर हम तैनात रहते हैं हर टाइम। दादा का फ़ोन आता है कि मनीष जी ये काम मैं क्यों आपका आशीर्वाद बना रहे बस आपका काम हो जाएगा, इतना अच्छे से ये संभालते हैं हमारे को और कहीं कोई कुछ गलती भी होती है तो दादा का आशीर्वाद ऐसा रहता है हमारे ऊपर कि नहीं मनीष जी ये हुए तो हम उसको वापस सुधारने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं बता देता हूँ मेवाड़ का ऐसा कोई कार्यक्रम नहीं है जो इतना बड़ा कहीं इस प्रोग्राम होता है, ये सबसे बड़ा मेवाड़ का प्रोग्राम है मुंबई के अंदर जहाँ 3,000 लोग आते हैं और उसके बाद भी बाहर लोग खड़े रहते हैं पास के लिए कि हमारे पास कि राजस्थान को जो समेट रखा है आपने। मैं पुनः एक बार दादा को धन्यवाद देता हूँ कि आप इसी तरह हमारे ऊपर आशीर्वाद रखें और राजस्थान का नाम रोशन करें।